सभी एसोसिएशन के प्रधान को, अरोड़ा जी को और मेरे अन्य मित्र जो स्टेज के सामने बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुभाष शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर शिफ्टर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद। मेन टॉपिक आज का, दो टॉपिक थे इसमें, एक तो फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस और दूसरा टॉपिक है जो वेस्ट निकलता है राइस हस्क, एश जिसको बोलते हैं, जो बॉयलर में जलाते हैं, और जो राख बनती है उससे कौन कौन से केमिकल बन सकते हैं, और जीरो वेस्टेज, आप कोई भी आपका पोल्यूटेड मैटर नहीं जाएगा एटमॉस्फेयर में और ना ही जमीन पे कोई चीज गिरेगी। तो ये दो टॉपिक है अगर, और आज की इंडस्ट्री का है क्या, इंडस्ट्री में कुछ भी वेस्ट जाता है दैट इज योर लॉस। प्रकृति ने हमें इतनी चीजें दी है, मैं एक राइस हस्क ऐश के बारे में बताता हूं। कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है, इवन कॉपर और मरकरी, जो इस राइस हस्क ऐश के अंदर नहीं होता, और इसके अंदर 37 से लेकर के 74 तक सिलिका होती है। सिलिका जो है ना बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, जो आप चिप्स बनते हैं, जो माइक्रो चिप्स बनते हैं वो सिलिका के होते हैं। कितनी प्योरिटी पे जाती जाएगी, मतलब जो प्योरिटी फॉर्म है सिलिका की, दैट गोज इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ए केजी। बट हम मिट्टी की कदर कोई करते नहीं है। तो मैटर ये है कि आपने पोल्यूशन को भी बचाना है और आपने अपनी वैल्यू एडिशन भी करनी है। तो इसके लिए आप ये सोचिए कि कोई भी इंडस्ट्री अगर आप लगाते हैं उसमें 0% वेस्टेज, हर चीज यूटिलाइज हो सकती है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ताकि, और आज का जो समय है फूड इंडस्ट्री के लिए सबसे बैड टाइम है। कहने को कोई कुछ भी बोले, कोई बोले 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, 20,000, सब लॉस में है सब लोग। आई कैन चैलेंज दिस थिंग्स। आप जो है अपने काम को बड़ी ईमानदारी से, एफिशिएंटली और क्वालिटी बेस करेंगे, तो क्वांटिटी कुछ भी बने तो इट इज ए गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर हम हमेशा दौड़ते चले जाएंगे तो दौड़ का कोई एंड होता नहीं है। मेरे सामने 3 जनरेशन जो है राइस मिल की मेरे सामने से आई है। मैंने 85 में पहला मॉडर्नाइजेशन अगर राइस मिल इंडस्ट्री में किया था तो मेरे हाथ का किया हुआ है। उस टाइम तक कोई भी नई टाइप की मशीन नहीं लगती थी, 85 में मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद जो बूम हुआ, इंडस्ट्री तभी राइज करती है जब उस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट हो। 91 में जैसे ही डीवैल्यूएशन हुआ रुपीज का, नरसिंहा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, उनको एक ही महीना हुआ था जो उन्होंने बजट पेश किया, तो 20 दिन के अंदर डीवैल्यूएशन हुआ था। 1 जुलाई 1991 को डीवैल्यूएशन हुआ 21 रुपए से लेकर के 23 रुपया जो डॉलर का, $1 21 रुपए का था, इन्होंने 23 रुपए का किया, और 3 जुलाई को ही वो 23 से 26 रुपए का किया। तो 5 रुपए का जो अंतर आया, उससे क्या था, जिन लोगों के पास ऑर्डर थे, मेरे मित्र है, नाम नहीं लेना चाहता, उनको वो एक्सपोर्ट करते थे, उनके पास ऑर्डर इन हैंड थे, तो उनको इस डीवैल्यूएशन की वजह से 70 करोड़ रुपए का बेनिफिट हुआ था उस टाइम। जैसे ही वो 70 करोड़ रुपए आया तो तब ये मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, तभी ये कलर शॉर्टर चाहिए मेरे को, वो चाहिए मेरे को, वो चाहिए। तो इंडस्ट्री तभी फॉलो करती है, तभी राइज करती है जबकि उसके अंदर प्रॉफिट हो। अभी जो इंडस्ट्री है सिर्फ दौड़ भाग चल रही है, इसमें कुछ नहीं है। और मैं अकेली राइस की बात नहीं करता, इसमें सभी इंडस्ट्री, आप दाल ले लीजिए, आटा लीजिए, कुछ भी लीजिए आप, क्योंकि मैं 60 टाइप्स के प्लांट लगा चुका हूं ऑलरेडी, और 100 कंट्रीज में, 65 कंट्रीज
के टाइप के तो मेरे टर्न की प्रोजेक्ट चल रहे हैं 65 कंट्रीज के अंदर। आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस फूड इंडस्ट्री। जितना टफ बिजनेस हिंदुस्तान में है ना फूड इंडस्ट्री का, इतना वर्ल्ड में कहीं नहीं है। वो लोग हम जो बिजनेस करते हैं पड़ोसी को मार के करना चाहते हैं, वो सब एक साथ करते हैं। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये हमारा साथी ने कमा जाए, हम उसकी प्राइस देख करके डाउन करते हैं चीज को। तो 3 जनरेशन का गैप दिया। वैसे तो मैंने को कुछ बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि 75वां साल हो गया देश आजाद हुए और मैं भी 75 साल पूरे कर चुका। 50वीं वर्षगांठ शादी की मना चुका 3 दिन पहले। तो मैं तो रिटर्न गिफ्ट देना चाहता हूँ भाई, मेरे एक्सपीरियंस का बेनिफिट अगर आप कोई लेना चाहे तो आई विल ऑलवेज बी हैप्पी। और आई कैन चैलेंज कि वर्ल्ड में किसी भी कंपनी ने जितनी टाइप की मशीनें हमने डेवलप की, आई थिंक इट इज मोर देन 1000 टाइप्स फर्स्ट टाइम बनाई। और आज की डेट में जितने मैन्युफैक्चरर है पूरे नॉर्दर्न इंडिया में 80% हमारे साथ एसोसिएट रहे किसी भी न किसी फॉर्म में। तो हमें इस चीज की बहुत खुशी है, लेकिन इस चीज का भी बहुत दुख होता है कि हम इंडस्ट्री में 24 घंटे लगाते हैं, प्राप्ति कुछ होती नहीं है, हमेशा हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। कभी 1% टैक्स ज्यादा लग गया तब जो है ना सब कुछ सबके हाथ कभी खड़े होते हैं, झंडे सभी इसके खड़े होते हैं। लेकिन क्या है कि स्मूथ करना और बिजनेस को प्रॉपर वे से ईमानदारी से करना, इस तब तक ये अडॉप्ट नहीं होगा सिस्टम, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री चले बढ़िया तरीके से। तो दूसरा ये जो टॉपिक था जो फोर्टिफिकेशन वाला है, ये कोई भी आदमी अगर इस फोर्टिफिकेशन का प्लांट लगाना चाहता है, अगर वो ये समझ के लगाएगा कि मैं एक दवाइयों की फैक्ट्री लगा रहा हूं, अगर उसको फार्मा के सेक्टर के हिसाब से फैक्ट्री लगाएगा तो बिल्कुल चलेगी, ईमानदारी से चलेगी और प्रॉफिट भी देगी। और अगर आप ये सोच लिया कि भी ये तो इसका तो उसको मीनिंग नहीं है, साथ मिलाओ ना मिलाओ, मिलर मिलाओ ना मिलाओ, तो भाई साहब ये जेल कराएगी। ये मैं पहले बता देता हूँ, सैकड़ों आदमी जेल में जाएंगे इसी साल में। इसलिए बड़ी ईमानदारी से बड़ी सोच समझ के इस फोर्टिफिकेशन के हाथ लगाइए। इसमें कभी भी कच्चा लोग माइंड में आना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप जो है ना जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका कोई पर्पज है, WHO ने कोई ऐसे नहीं कंपल्सरी किया, सारी दुनिया में लागू किया इसको कि ताकि गरीब लोगों को जो डेफिशिएंसी है, खून की कमी है, वो उनकी पूरी होती रहे, और जो अपंग हो जाते हैं खून की कमी के कारण उनके लिए बेनिफिट है। हमने अपना प्रॉफिट सोचे कि इसमें भी मुझे तो लानत होती है कि 30 रुपए किलो का मार्जिन में भी आप साथ नहीं मिला पा रहे उसके अंदर दवाई, जो दवाई इसके अंदर डालनी चाहिए, जो विटामिन डालने चाहिए, 30-30 रुपए किलो का प्रॉफिट रह गया किलो पे आपने फोर्टिफाइड राइस में कमाया, वो केमिकल डाले नहीं किसी ने भी। अब वो कोई अब दौड़ रहे हैं तो हाई कोर्ट जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। और बहाने ऐसे बनाते हैं कि भाई जो है ना आप हमें क्या पता नहीं, जो हमें माल दे के गया उसकी गलती है। अब आपकी दुकान के ऊपर कोई नकली दवाई पकड़ी जाए तो आप ये कहोगे कि मैंने तो पूरे पैसे दिए थे, जो बेचने वाला वो नकली देगा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। ये सब एक्सक्यूजेज है, ईमानदार बनना सीखिए और ईमानदारी से ही सब कुछ होगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं, हार्ड वर्क विद एफिशिएंसी और ईमानदारी दोनों चीजें ये होंगी तो भगवान भी साथ देता है और पब्लिक भी साथ देती है। तो इसलिए ईमानदार बायर ईमानदार सेलर चुनिए और निश्चिंत होकर बिजनेस कीजिए। तो मेरी तो यही शुभकामना है, बाकी हमारी सेवाएं हर इंडस्ट्री के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। टेलीफोनिक कोई भी सेवा है उसका कोई चार्ज नहीं होता है, रात को 2 बजे भी किसी को कोई तकलीफ है आप टेलीफोन कर सकते हैं, मेरा टेलीफोन कभी बंद होता नहीं है। और हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे तो आपको भी लाभ होगा। धन्यवाद।